डबल चार्ज में कितने कलर आते हैं टाइल्स में? जी हाँ, कलर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि शेड डिज़ाइन कभी डबल चार्ज भी नहीं आती। मैंने प्रत्येक वीडियो में जब डबल चार्ज अगर टाइल्स की बात की है तो ये बताया है कि डबल चार्ज टाइल्स में आपको किसी प्रकार की डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगी, आपको ओनली शेड देखने को मिलेंगे। शेड में सभी प्रकार आ गए, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आपको जो भी पसंद है वे सब आ गए। 40 से 50 कलर आते हैं, आज उसका पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा, सभी कलर्स के वीडियो आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं हेमराज मिनारिया, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा लाड़ प्यार मिल रहा है, आशा करूंगा आगे भी इसी प्रकार का लाड़ प्यार मिलता रहे। सिर्फ कमी है तो इस बात की कि वीडियो तो आप देखते बहुत हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम होता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा और मेरा हौसला बढ़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो जानकारी बताऊँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो, आप जब भी मकान बनाओ तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो, आप उसे सीखे कहें या फिर जानकारी ले सकते हैं, क्या रेट में टाइल्स खरीदनी है, क्या रेट में, इस प्रकार की जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखें, आप जब भी कमेंट करें # हेमराज मिनारिया लिखकर कमेंट करें, ताकि आपका इस प्रकार का कमेंट मैं रविवार को उसकी जानकारी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। इस बात का आप व्यवस्थित और विशेष रूप से आप ध्यान रखें। चलो, आपको आज मैं टाइल्स के वो सभी डबल चार्ज के कलर बता देता हूँ। आपके बहुत से कमेंट आए कि टाइल्स में किस किस प्रकार के कलर आते हैं, तो चलो अपन वीडियो पे चलते हैं और देखिए इस प्रकार का वीडियो और कलर देखिए। आपने देखा होगा इस प्रकार के कलर डबल चार्ज में आपको देखने को मिलते हैं। आप लगाने में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए डबल चार्ज अब फ्लोरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फ्लोरिंग में आप मकान में लगा सकते हो, मॉल में लगा सकते हो, कॉलेज में लगा सकते हो, और अभी जो चल रही है वो सबसे मजबूत टाइल्स है और सबसे जो लॉन्ग टाइम तक जो टाइल्स सकती है वो डबल चार्ज टाइल्स हैं। तो आप इन कलरों में पसंद करके जो मैंने वीडियो में बताया आप वो कलर अपने मकान में लगा सकते हो। देखिए रेट की बात करें तो रेट अलग अलग हो सकती है। मार्केट में आपको 3200 रुपये में भी डबल चार्ज मिलेगा और 3500 रुपये में भी डबल चार्ज मिलेगा। आप इस तौर का विशेष तौर से ध्यान रखें, टाइल्स में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन प्रकार की ग्रेड आती है उसमें। तो आप अगर अपने मकान में ले रहे हो तो आप प्रीमियम माल लेने का ही काम करें, आपको कभी टाइल्स में समस्या नहीं आएगी, तो आप प्रीमियम ही खरीदें। अब देखिए मैं राजस्थान से हूँ, उदयपुर से हूँ, तो ये हो सकता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो खर्चा रहता है वो कम लगता है, तो रेट में मैं आपको बताता हूँ 2 रुपये या 3 रुपये देखिए कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप कहीं यूपी से हो, बिहार से हो, या फिर
हिमाचल से हो, यानी कि दूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट भाड़ा अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो जैसे यहाँ मैं डबल चार्ज 35 रुपये में बेच रहा हूँ, हो सकता है आपके यहाँ 40 रुपये मिले, 38 रुपये मिले, पॉसिबल है, क्योंकि उनको जो खर्चा है वो लगता है। मेरे बहुत से कमेंट में जब भी मैं फेसबुक पे वीडियो में अपलोड करता हूँ तो इस प्रकार की कमेंट आते हैं कि सर आप इस प्रकार का वीडियो बनाते तो हमारे यहाँ कस्टमर आके बोलते हैं। तो आप इस प्रकार में इस का भी विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि मेरे यहाँ जो भाड़ा है वो कम लगता है, तो उसका जो कॉस्टिंग आती है वो कम आती है। तो आप किसी भी शॉप पर अगर जाएं तो इस प्रकार की व्यवस्थित ध्यान रखें। डबल चार्ज टाइल्स जब भी आप लगाओ तो केमिकल का यूज़ करें, अच्छा वाला केमिकल का यूज़ करें, ताकि वो टाइल्स लॉन्ग टाइम तक लगी रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अगर लगते समय हल्का फुल्का कोई अगर गैप रह गया हो तो केमिकल एडिसिव से वो क्लियर हो सकता है। तो ये आपको डबल चार्ज टाइल्स के बारे में जानकारी दी। अन्य प्रकार की जानकारी के लिए जैसा मैंने आपको बताया हैशटैग हेमराज मीनारी लिखकर आप कमेंट करें। रविवार को मैं आपको वीडियो बनाकर उसकी जो भी आपने कमेंट किया उसकी रिप्लाई मैं रविवार को दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप जैसा पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। गर्मी का टाइम है, मैं ऑफिस में आज बैठा नहीं हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, हवा भी बिल्कुल बंद है, देख सकते हैं हम पत्ते बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। तो आज बाहर बैठे बैठे हैं गोडाउन में, यहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो गर्मी भी लग रही है, लेकिन मैंने बोला कि सोचा भी है कि वीडियो शेयर नहीं करूँगा तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो ये आज के बारे में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से अपन मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे।